तो हम ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बनाना चाह रहे हैं। अब कैसे बनेगा आप आराम से सोच करके देखें दोस्तों। मैं कुछ ग्राफ यहाँ बना दे रहा हूँ रो, फिर ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है उसी को ही मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से और कर दूंगा, ठीक। तो आराम से सोचिएगा, समझिएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं, ये डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं इस डेफिनेशन से। सबसे पहले y की वैल्यू x है जब x माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 है। एक चीज अपने को बहुत क्लियरली मालूम है कि जो ग्राफ है y की जो रेंज है वो कहां से कहां तक आ रही है, y की वैल्यू है माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2। तो कहीं ना कहीं ये और ये पॉइंट्स, या इनफैक्ट ऐसा बोलूं मैं कि ये दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ये एक लाइन आ गई, दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग और कटिंग द वाई एक्सिस एट 0, π/2, राइट। एंड दिस कैन बी रिटन एज 0, π/2। एंड इन अ सिमिलर मैनर ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन आ जाएगी, 0, −π/2 पर इसको काटेंगे। Right, so this can be written as 0, −π/2, and this point we all know it is 0, 0, correct? तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। So here is the line. हमने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में y इक्वल टू x लाइन बनानी है। तो ये रही लाइन, ध्यान से देखें, हम जानते हैं y इक्वल टू x लाइन के बारे में। तो लेट अस से दिस इज द लाइन y इक्वल टू x, करेक्ट, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x, लेट मी राइट इट देयर, दिस इज y इक्वल टू x। Getting my point? ठीक, so ये आ गई लाइन, कब से कब तक ये पॉइंट कितना आएगा हम जानते हैं। ये मैं डॉटेड लाइन नीचे तक लेकर के चला जा रहा हूँ, दिस इज पाई बाय 2, 0, एंड सिमिलरली दिस वन कैन ऑल्सो बी मार्क्ड एज माइनस का पाई बाय 2, 0, करेक्ट। तो हमारी जो ग्राफ आ गया यहां से लेकर के यहां तक का ये ग्राफ अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, एंड द ग्राफ नेम इज y इक्वल टू x। अब हमने देखा पाई बाय 2 से लेके 3π/2 में पाई माइनस x आ रहा है। जब मैंने कहा ग्राफ पाई माइनस x, आप अपने आप सोच करके देखें ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू पाई आ जाएगी। अब पाई कहां आएगा, ये रहा पाई कहीं ना कहीं, दिस इज पाई कॉमा जीरो, और इसी तरह ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3π/2, 0। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर भी मैं वो डॉटेड लाइन आपके लिए बना दे रहा हूं 3π/2, 0, क्योंकि दोस्तों देखिए ध्यान से, हमने अभी अभी क्या बात करी, पाई बाय 2 से लेके 3π/2 तक मुझे ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू पाई माइनस x बनाना है। y इक्वल टू पाई माइनस x सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। आप स्ट्रेट लाइन के तरीके से सोचें, y इक्वल टू पाई माइनस x में ये लाइन x एक्सिस को पाई पर काटेगी, और x इक्वल टू पाई बाय 2 पर क्या वैल्यू आएगी, पाई बाय 2, पाई में से पाई बाय 2 घटाओगे तो पाई बाय 2 आएगा, और इसी तरह पाई में से 3π/2 घटाओगे तो माइनस का 3π/2, यानी यहां तक आएगी वो लाइन। तो इसका मतलब मैं सिंपली, बिल्कुल सिंपली अगर आपसे बोलूं सबसे, तो ध्यान से देखें दोस्तों कि मैं ये लाइन बना सकता हूं यहां पर, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस इज द लाइन, एंड हियर आई कैन से दैट दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, दिस इज पाई कॉमा जीरो, करेक्ट। सो इस ग्राफ का नाम क्या आ गया, जो इन्वर्टेड लाइन मैंने बनाई, ये तो हमारे पास एंगल कितना था, दिस वॉज 45 डिग्री, एंड नेम ऑफ दिस अगर मैं इसको ओ नाम दे देता हूं, लेट अस से ए बी सी,
So if I name the branch BC, it will be what? Pi minus x. आप अपने आप सोचें, इसका नाम pi minus x से कहां से आया? ये रहा लिखा हुआ है, this is pi minus x. Getting my point? अब अगर मैं आप सब की जानकारी के लिए बताऊं और लेकर के चलूं ऊपर ग्राफ जो बना हुआ है यहां पर, तो दोस्तों इसी ग्राफ का रेप्लिका आगे बना हुआ है. मैंने अभी आपको ये ग्राफ बना करके सिखाया, माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू में कौन सी ब्रांच थी? वाई इक्वल टू एक्स, यानी ए बी. ठीक, फिर मैंने बी सी लाइन बनाई पाई बाय टू से लेकर के थ्री पाई बाय टू तक. आई एम श्योर ये भी समझ में आ गया. तो जो ग्राफ ये बना हुआ है, यही ग्राफ आगे आप रिपीट टेलीकास्ट आगे भी और पीछे भी करते चले जाएं, वही बात आपको नजर आएगी वाया दिस डेफिनेशन. यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कहने का भावार्थ हुआ कि आगे ये लाइन ये सी डी बनेगी और फिर ये लाइन फिर से ऐसे बनेगी और इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ये ग्राफ हमेशा रहेगा, राइट? और ये लाइन ऐसे काटती रहेगी. दिस इज ये एक्स आया. अब हर ब्रांच का अलग अलग नाम होगा. इसी तरह पीछे भी ग्राफ, अगर ये ए डैश मानू इसको मैं, और ये लाइन भी पीछे एक्सटेंड इस तरीके से करती चलेगी. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखे दोस्तों, हमने ये लाइन लिखी है पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई. अब इसमें दो सवाल उठते हैं. पहली बात रिलेटेड टू दी पीरियोडिसिटी. पहली बात रिलेटेड टू दी पीरियोडिसिटी, इफ इट इज पीरियोडिक तो व्हाट इज द पीरियड. एंड सेकंड, नेम ऑफ एवरी ब्रांच, नेम ऑफ द ब्रांचेस. तो ब्रांचेस का क्या क्या नाम है, ये दूसरी, ये पहली बात है, ये दूसरी बात है. और तीसरी बात हमने क्या जाननी है यहाँ पर, ब्रांचेस के नेम के साथ साथ इस ग्राफ को हाउ टू मेमोराइज इट, हाउ टू मेमोराइज इट. ठीक है, अब ये बातें अपने को समझ में आ गई. अब ये काम करना है तो कैसे करना है, सवाल यही उठता है. तो ठीक है दोस्तों, पीरियोडिसिटी में ध्यान से देखें, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो ग्राफ यहां तक है माइनस पाई बाय टू से लेकर के थ्री पाई बाय टू में जो ग्राफ है, मैंने अभी अभी कहा उसी ग्राफ का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है. तो ये लेंथ कितनी है, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? तो वो लेंथ है 2 पाई. तो द लेंथ इज 2 पाई. 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज 2 पाई. तो ये लेंथ है, दैट इज द पीरियोडिक नेचर, दैट इटसेल्फ शोज इट इज अ पीरियोडिक ग्राफ विद अ पीरियड ऑफ और अ फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 पाई. यानी 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट होती चली जा रही हैं. वो अलग बात है, ब्रांचेस का नाम अलग है, लेकिन y की वैल्यूज सेम आती चली जा रही हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई. तो हमें अपने पहले क्वेश्चन का तो आंसर बखूबी मिल चुका है. अब सवाल उठता है, ब्रांचेस का नाम कैसे जाने. अब ब्रांचेस का नाम कैसे जाने का जवाब है बहुत आसान. हमें यहां से यहां तक तो ग्राफ समझ में आ गया, ए से बी का नाम है y = x और दूसरा है पाई माइनस का x. अब मैं आपके इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब कैसे दूंगा, सुनिए, हाउ टू मेमोराइज इट और इसका जवाब. ठीक है, आप इसको ऐसे समझें दोस्तों कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x का जो ग्राफ है उसकी जो रेंज है वो माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है. उसकी जो रेंज है वो क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है. इस रीजन में माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रीजन में आप ये समझे, इतनी सी बात याद करनी है, वाई की वैल्यू एक्स आएगी. यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ की वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रीजन के अंदर में, मतलब माइनस पाई बाय, जब एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो उसकी वैल्यू एक्स आएगी. क्या ये याद रखा जा सकता है, इतना पोर्शन केवल इतनी सी बात याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं आप सबको. आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, गिव मी 1 मिनट कि आप ये याद रखें, वाई की वैल्यू एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू
माइनस का पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू, और हम जानते हैं कि y की वैल्यू भी माइनस का पाई बाय टू से पाई बाय टू रहेगी, इन्हीं दो लाइंस के बीच में ही तो ग्राफ आ रहा है पूरा का पूरा। तो जो इसकी रेंज आ रही है उसी रीजन में x की वैल्यू उसी रीजन में, मतलब x की जो इसकी जो रेंज आ रही है उस डोमेन में x की उतने ड्यूरेशन की उतने इंटरवल की वैल्यू में y की वैल्यू x आई। आप इस तरीके से आप इस बात को याद रख ले, ठीक। और सिंपल बात, जब इतना आपने कर लिया कि ये ग्राफ ऐसा कुछ आया, ये लाइन बन गई y इक्वल टू x की इन दोनों लाइंस के बीच में, गेटिंग माय पॉइंट, इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ बन गई, और फिर आप बस इस तरीके से बनाते चले, इस तरीके से बनाते चले का मतलब क्या है, सिंपल अगर भाषा में मैं आपसे बात करूं, आप इस बात को और एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूं जिसे याद हो जाएगा आसानी से, इनफैक्ट भूलना मुश्किल हो जाएगा। एक होता है याद रखना, एक होता है भूलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। कैसे, ध्यान से सुनिए, गिव मी वन सेकेंड। हमें एक ग्राफ जरूर आता है सभी को, साइन एक्स का आता कि नहीं आता है? साइन एक्स का ग्राफ आता है, ये होता है ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, साइन एक्स का। टू मेमोराइज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, हम एक और चीज जानते हैं, ये वाली वैल्यू पाई बाय टू है, ये जीरो है, ये माइनस का पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, ये टू पाई है, करेक्ट। मेरे दोस्तों आप कुछ मत करें, बस दो चीजों का ख्याल रख लें इस ग्राफ के अंदर में। ये पॉइंट हम जानते हैं ये 0.1 होता है, और ये पॉइंट हम जानते हैं 0.-1 होता है। बस आप कर्विकल लाइन को, आई एम रिपीटिंग, कर्विकल लाइन को स्ट्रेट लाइन बनाते चले। कर्विकल लाइन को स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, इस लाइन को ऐसा बना लें, और बस 1 को आप मान ले पाई बाय 2 तक जाना है, और माइनस 1 को आप मान ले माइनस पाई बाय 2 तक जाना है। ये तीन बातों का ख्याल रख ले, आप इस ग्राफ से इस ग्राफ पे पहुंच जाएंगे। हमेशा याद रहेगा, मेमोराइज दिस मेथड, कभी भी आप ग्राफ नहीं भूलेंगे, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो दिस इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, हाउ टू मेमोराइज दिस ग्राफ। तो मेमोराइज दिस मेथड, ग्राफ खुद बखुद आ जाएगा। और इतना मैं समझता हूं, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली है, साइन एक्स का ग्राफ सभी को याद है। तो सीधी बात, तीन बातें, कर्विकल लाइन को सीधा करना है, 1 की जगह पाई बाय 2, माइनस 1 की जगह माइनस पाई बाय 2, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हम जानते हैं इसकी रेंज होती है, तो इतना तो काम कर ही सकते हैं, बना ही सकते हैं, ठीक। या ऐसे मान लो जो आप ग्राफ साइन एक्स का बना रहे हैं 1 और माइनस 1 तक जा रहा है, उसे माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 तक ले जाओ, यहां तक और यहां तक ले जाओ, और कर्विकल लाइनों को सीधा कर दो, बन गया आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहां तक तो समझ ली बातें, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका, करेक्ट है। अब सवाल उठता है नेम ऑफ द ब्रांचेस, नो डाउट ये सीधी लाइनें हैं, ये पाई माइनस एक्स होगा, ये इस लाइन की जो स्लोप आ रही है, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी की बात करूंगा तो वो माइनस वन आएगी, स्लोप ऑफ एबी की बात करूंगा वन आएगी, तो ऑल्टरनेटली स्लोप आती जाएगी, ऑल्टरनेट, ठीक है ना, +1 -1, जैसे ये वन आई, यहाँ पर वन आई, यहाँ पर माइनस वन आई, फिर से वन आई, फिर से माइनस वन आई, और पीछे यहाँ इधर वन है तो इधर माइनस वन आ जाएगी, तो स्लोप तो ऐसे चलती चली जाएगी, नो डाउट। लेकिन अगर मुझे थोड़ा बड़ा वैल्यू पर ब्रांच का नाम चाहिए होगा, तो मैं इस पीरियोडिक नेचर का क्या इस्तेमाल करूंगा, सवाल यहां पर आकर के उठ जाता है। यानी मैं आपसे एक सिंपल भाषा में सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं, इफ आई आस्क यू दैट, अब इसी क्वेश्चन, इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना।
उन क्वेश्चंस की बदौलत ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिल जाएगा. क्या क्वेश्चंस करते हैं? क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ पर लर्निंग करेंगे. कैसे? क्वेश्चन नंबर वन, इफ आई आस्क यू ऑल वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन वन की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी y equal to 1. Reason being, जो 1 है वो माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, क्योंकि मुझे तो केवल क्या याद रखना है, अभी अभी मैंने कहा आप सबसे, मुझे क्या याद रखना है कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x है उसकी वैल्यू x है, सच दैट x की वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में आ रही है. इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं याद रख रहा, कोई ब्रांच मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू मेमोराइज एनी अदर ब्रांच. ओनली रिमेंबर दिस, ओनली रिमेंबर दिस ब्रांच. ठीक है, अब देखिए दोस्तों, केवल इसको याद रखने का क्या फायदा मिलेगा, क्या मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या मैं थॉट बता रहा हूँ, सुने. अरे भाई, पाई बाय टू टेंटेटिवली 1.5 के आसपास होता है और ये माइनस का 1.5 के आसपास होता है, तो इन दोनों के बीच में 1 आ रहा है. आ रहा है. बट इफ आई आस्क यू नाउ, if I ask you question number 2, y is equals to sine inverse of sine of 2. हम जानते हैं 2 does not belong to the interval minus का pi by 2 से लेकर के pi by 2. ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं. तो अगर मैं इस question का answer चाहता हूँ, एक तो तरीका है via graph. Graph के through चले जाएं आप. No doubt. इसका ग्राफ आपको मालूम है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, क्योंकि जो टू है वो इस ग्राफ के अंदर में यहां से लेकर के यहां, यानी पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू के बीच में लाई कर रहा है. पाई बाय टू 1.5 के आसपास होता है और थ्री पाई बाय टू 4.5 के आसपास होता है, इन दोनों के बीच में दो आ रहा है. तो तब वाई की वैल्यू क्या आ रही है? पाई माइनस का एक्स आ रही है ना. वो ब्रांच क्या है? पाई माइनस का एक्स है. यही तो है दिस ब्रांच आई एम टॉकिंग अबाउट, बीसी. बीसी ब्रांच क्या है? पाई माइनस का एक्स है. तो एक्स कौन है आपका? x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 है, तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस का 2. नो डाउट, ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन सोचो दोस्तों, अगर इस 2 की जगह मैं 20 रख लेता, तो क्या आप उतना लंबा ग्राफ ऐसे 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 करके बनाते? तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन अ टाइम टेकिंग टास्क. बहुत लंबा चला जाता वो ग्राफ, और 20 की बजाय 200 होता, तो हमारे लिए परेशानी हो जाती. तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए क्या करेंगे? आइए इस छोटे से सवाल से सीखते हैं. वही मेथड लगभग हम हर बड़े क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे. क्या हमने क्या करना है? इस 2 को, ये जो 2, अगर आई एम रिपीटिंग, ये 2 जो भी वैल्यू दी गई है यहां पर एक्स की, अगर ये हमारी इस रीजन में फर्स्ट इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में नहीं आ रही है, तो आप क्या करें? 2 is equal to pi plus minus theta. In fact, जो भी एंगल sin inverse of sin of phi लिखा यहां पर, तो आप इस phi को n pi plus minus theta की फॉर्म में लिखें, such that n कोई भी इंटीजर है एंड जो theta है वो हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रीजन में आए. दिस इज द मेथड टू सिंप्लीफाई अ क्वेश्चन. बड़े से छोटे तरीके पर सिमट करके लेकर के आना चीजों को, ये उसका तरीका है. गेटिंग माय पॉइंट? साइन इनवर्स ऑफ साइन फाई हो, अगर जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में जो फाई है इसकी वैल्यू 2 आ गई, उसको n पाई प्लस माइनस थीटा में तोड़ना है, जहां पर n इंटीजर है और थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 की वैल्यू पाई प्लस माइनस थीटा. अब अपने आप सोच करके देखे दोस्तों, इतना दिमाग के प्लस आएगा माइनस आएगा ताकि थीटा इस रिक्वायर्ड प्रिंसिपल डोमेन के अंदर में आ जाए, तो क्या तरीका होगा उसका कि इस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल में आ जाए? तो देखें दोस्तों, इट इंप्लाइज, मैं क्लियर लिख सकता हूं, 2 इज इक्वल्स टू, अरे भैया, पाई माइनस थीटा. मैंने ऐसा लिख दिया. क्यों लिखा ऐसा? पाई क्या होता है? 3.14. अब 3.14 में से क्या घटाऊं के दो आएगा? 1.4 समथिंग.
और जो 1.4 समथिंग आएगा क्या वो माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है? आंसर इज यस, लाई कर रहा है. इज इट क्लियर? तो 2 की वैल्यू पाई माइनस थीटा का मतलब ये बात आ जाएगी. तो 2 की वैल्यू पाई माइनस थीटा में सब्स्टिट्यूट करूंगा. इसका फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा, ध्यान से देखें दोस्तों, ये बना साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2. 2 की जगह मैंने लिखा पाई माइनस थीटा. ठीक, अब एक मिनट के लिए इस चीज को भूल जाओ एंड लेट अस टॉक ओनली अबाउट दिस थिंग. हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, होती है बात. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो एज अ रिजल्ट वाया दिस आई कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस इज रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा. यस और नो? और अब दोस्तों मुझे ये बताएं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है अगर थीटा माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में होता है. और जो मेरा थीटा है, थीटा मेरा टेंटेटिवली वो 1.4 समथिंग के आसपास है, वो इस रीजन में लाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ जी कर रहा था. तो ये थीटा आ गया, यानी माय आंसर इज थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा कैन बी फिगर आउट फ्रॉम हियर. थीटा इज पाई माइनस का 2. तो ध्यान से देखिए थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई माइनस 2. दिस इज द आंसर. सोच के देखिए, ग्राफ से भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर यही तो निकाला था पाई माइनस का 2, और यहाँ भी आपने इसका आंसर यही निकाला. तो ये बात समझ में आप सभी को आ गई होगी, राइट? तो ना केवल इस क्वेश्चन में, अगर बड़ा क्वेश्चन भी होगा, इफ द वैल्यू ऑफ फाई इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो, 3, 4, 100, 200, वट एवर बी द वैल्यू, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन. y is equals to sin inverse of, मान लीजिए मैंने sin of 4 लिख दिया, ठीक, फिर दोबारा ग्राफिकली जाऊंगा, आंसर आ जाएगा मेरा, नो डाउट. अगर मैं ग्राफिकली जाऊंगा, आप खुद से सोच करके देखे दोस्तों, ग्राफिकली जैसे ही मैंने कहा तो आपके दिमाग में 4 के लिए इस तरीके की लाइंस दिमाग में आनी शुरू हो गई. अरे भाई 4 कौन से रीजन में आएगा? आपके दिमाग में आ गई है ये बात बिना कहे 4. अरे भाई मुझे तो, तुम्हें तो ये याद है, केवल हमें तो यहाँ तक आंसर याद है, अगर माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 होता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ फाई की वैल्यू फाई होती है, ये याद है, अगर फाई यहां से यहां तक लाई करे. ठीक, तो दोस्तों देखो ध्यान से, अब 4 किस में लाई करेगा, या 4 अगर आएगा तो दोस्तों मैं यहाँ बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने दोबारा, ये 4 की बात करूंगी, 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 तो 4.5 के आसपास होता है ना, पाई बाय 2 इज 1.5 समथिंग इनटू 3 इज 4.5 समथिंग, तो मतलब पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 के बीच में ही लाई कर रही है ये वैल्यू भी, तो मतलब पाई माइनस x ही आंसर होगा. तो ग्राफिकली तो मैंने आंसर दे दिया, पाई माइनस का x ही होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही है, पाई माइनस का 4. लेकिन अगर मैं जो तरीका भी मैंने बताया, 4 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस थीटा such that theta belongs to minus का pi by 2 से लेकर के pi by 2 रखना है, ये हमारा method number 2 है, which has to be used, यही priority पे आपको use करना है. तो दोस्तों ध्यान से देखें, 4 की value, कोई बच्चा कह रहा है कि pi plus theta रख ले, मान लो n की value मैंने 1 रखी, अब पाई होता है 3 point something में क्या ऐड करूंगा 4 आएगा, तो वो पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से कम आएगा, और 1 से वैल्यू कम जो है इस रीजन में लाई करेगी, यस लाई करेगी. इसका मतलब हमारी ये सोच बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है. अब कोई बच्चा कह रहा है, सर मैं तो 4 is equals to 2 पाई माइनस का थीटा लिखूंगा. दोस्तों अब 2 पाई वैल्यू 6 point something होती है, 6 point something में से अगर थीटा माइनस करोगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 आएगा 2 point something, और 2 point something इस रीजन में लाई नहीं करेगा, तो बेसिकली आपका काम बढ़ेगा. तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब 4 की वैल्यू पाई प्लस थीटा लिखी, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4, 4 की जगह पाई प्लस थीटा लिखा, भूल जाओ इसको. लेट अस टॉक अबाउट दिस पोर्शन ओनली.
अब हमें पता है कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस का साइन थीटा होती है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, साइन इनवर्स के अंदर में माइनस का साइन थीटा आ गया। अब ये मैंने सवाल इसीलिए लिया था, मैं ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कैन बी रिटन एज माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये इस बात से अंदाजा लगा ले, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हो आप? ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स के अंदर में माइनस वन जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस का पाई बाय टू होती है, और साइन इनवर्स के अंदर में माइनस वन को आप माइनस टाइम्स साइन इनवर्स वन लिख दें तो माइनस का पाई बाय टू यहां से भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। तो एज अ रिजल्ट वाया दिस प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा का माइनस बाहर आया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और हमारा थीटा ऑलरेडी हम कह चुके हैं इस रीजन में लाई कर रहा है, एज थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू। तो देयरफोर वाई की जो वैल्यू क्या आ गई, माइनस पहले था, थीटा एज इट इज आ गया, दिस इज द आंसर। और वाई की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ व्हाट इज थीटा, थीटा कैन बी फिगर्ड आउट फ्रॉम हेयर, थीटा की वैल्यू क्या है, 4 माइनस का पाई। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें, माइनस ऑफ 4 माइनस पाई यानी पाई माइनस 4, सो पाई माइनस 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? सो विद दिस आई कैन से मैंने अपनी तरफ से हर एक क्वेश्चन जो खुद से रेज किया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ के अंदर में, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, पूरा ग्राफ समझाया। जितना समय इस ग्राफ को समझने में लगा, इससे बहुत कम, बहुत ही कम बचे कुचे 5 ग्राफ्स को समझने में लगेगा। तो मैं आप सबसे चाहूंगा पहले इस ग्राफ को, जितनी बातें यहाँ बताई गई, जितने इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ दिया गया, सभी को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझें, बार बार सुने इस वीडियो को, फिर आगे चलें, और फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 30, साइन इनवर्स ऑफ साइन 100 वाया द सेम लॉजिक्स, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी डन वेरी वेरी इजीली।